खबर अमरोहा से, जहां पर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आईटी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री के 10 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। नोएडा, मुरादाबाद, अमरोहा समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। मुरादाबाद में फैक्ट्री मालिक के घर पर छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। बता दें कि सीएल गुप्ता मशहूर पीतल कारोबारी हैं, जिनके अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। अमरोहा और मुरादाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरे दिन भी यहाँ पर टीम पहुँची है, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के मद्देनज़र ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर फिलहाल चल रही है। और इस वक्त गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ रही है। गर्मी प्रचंड प्रकोप के चलते जंगली जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, गेंडे समेत सारे जानवर तालाबों की शरण में जा चुके हैं। पार्क प्रशासन पंपिंग सेट के जरिए तालाब भरकर पानी का लेवल पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जानवरों को गर्मी से राहत मिल सके। हमारे जलाशय उसकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है और लगभग 80% जलाशय हम जो है पानी से भर पा रहे हैं इस समय, और उसकी वजह से हमारे जानवर जंगल में ही हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं। कितने वाटर होल्स बनाए गए हैं? लगभग दुधवा में, दुधवा और किशनपुर मिला के 135 वाटर होल्स हैं और वो अधिकांश उसमें से पानी से भरे हुए हैं।